लोगों से आग्रह है, कृपया साढ़े छह बराबर में यही पर शाम को साढ़े छह बजे 5000 दीयों की जलाने की व्यवस्था की गई है। आप लोगों से आग्रह है, मंगल चलिए ठीक है, थैंक यू। अपने अस्मिता को बनाए रखने का काम किया है, जिसका एक चलता उदाहरण है महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह जिन्होंने ये देश के आजादी के ही लड़ाई नहीं बल्कि हमेशा लड़ाई के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं। और ये भी पूर्व वक्ता आपके बीच रखे कि अगर उस समय पूरे देशवासी यह स्वीकार कर लेते कि यह देश की आजादी का प्रतिनिधित्व करने वाले यह महाराणा प्रताप को इसने देश का महानायक बना के क्रांति का बिगुल फूंकेंगे तो निश्चित रूप से कई साल पूर्व इस देश को अपन आजाद कर सकते थे। खास करके राजपूत समाज की बात करेंगे, निश्चित रूप से जब जब इतिहास का पन्ना पलटने का काम किए हैं तो हर पन्ना में कहीं ना कहीं राजपूत का खून का बूंद दिखाई देता है। हम गर्व के साथ कहते हैं ये राजपूत समाज हमेशा देश की आजादी के साथ साथ एक अन्याय के विरुद्ध हमेशा अपना लड़ाई करके दुनिया के सामने ये मिसाल देने का काम किया है कि राजपूत हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई करता है, संघर्ष करता है। सब प्रमोद लाल सहित समस्त ऐसे लोग जिन्होंने आकर महाराणा प्रताप के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त किया है, उनके प्रति आदर व्यक्त किया है और उनको देश के सिमोर के रूप में जो जनता स्वीकार कर रही है, यह प्रयास इनका उस जनता के प्रति एक अभिनंदन की तरह है। इसमें मैं सभी महानुभावों को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। महाराणा प्रताप के बारे में जितनी बातें कही गई हैं प्रायः सभी चीजें हमारे सामने आ गई। हम सभी इतना ही याद करते हैं कि महाराणा प्रताप जब देश के आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय उनके संघर्ष को जितने लोगों ने समर्थन दिया उसमें भीलों का सबसे बड़ा योगदान है। जब महाराणा प्रताप के अपने स्वजातीय लोग उनसे अलग हो गए थे और राणा प्रताप अकेले ही स्वाभिमान का संघर्ष कर रहे थे, तब मुगलों की फौज को रोकने का काम सबसे पहले वहां के भीलों ने किया था। इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए। और जब उनको धन की कमी हो गई तो उसकी पूर्ति भामाशाह ने किया था अपनी पूरी संपत्ति देकर। इसलिए यह देश तभी आगे बढ़ेगा जब नेतृत्व स्वाभिमानी हो, क्षत्रियत्व का गुण हो। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, एक संस्कृति है, एक गुण है, हर व्यक्ति के भीतर से क्षत्रिय निवास करता है।